तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं वेडू सिटी के अंदर वापस से, क्योंकि हमारे एक बंदे का सिग्नल आया है कि वो वहां पर फंस चुका है और ज़ॉम्बी से, तो ज़ॉम्बी को मार के उसको बचाएंगे। पूरी सिटी बंजर बन चुकी है, तो हमें यहाँ पे वैंग जी जो कि हमारा कैप्टन, हमारा नहीं है एक्चुअली, में ये जो ग्रुप है इसका कैप्टन है, तो मैं इस ग्रुप के अंदर हूँ, तो शायद ये मेरा कैप्टन ही होगा। शायद क्या है भाई ये, इधर से मेरे को एमओ मिली। एक्चुअली में एमओ की भाई इतनी ज्यादा कमी है ना, इधर कहीं में जाके मैं एमओ, वाह गेम में कोई जाने ही नहीं देगा उधर। इधर हमको इधर आकर कुछ ज़ॉम्बीज को मारना, ओ यहाँ पे बैरल ऑलरेडी रखे हुए जिससे हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली। यहाँ पे एक शूट किया और दोनों गए इजी। वहाँ पे जो एक फेरेला उसको उसको ना मैं इससे मारता हूँ, मैं डंडा निकाल भाई तू क्रो बाद एक्चुअली में ले ले ऑल ले। ओह भाई लकड़ियां टूट गई पीछे की। वैसे इस वाली गेम के अंदर मिली वेपन से ज़ॉम्बीज को मारने के अंदर उतना मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों। अरे मतलब मेरे को पता है जो साउंड इफेक्ट है वो इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, साथ में जो एनिमेशन है वो भी इतना बढ़िया नहीं है, तो इससे बढ़िया गन ही चला लो। लेकिन गन के अंदर ये लोग एमो अच्छी खासी देते नहीं है हमको। और यहाँ पे नीचे की साइड गुफा टाइप है भाई, पूरा रोड टूट चुका है देखो, मतलब जो रोड है वो जमीन के अंदर। भाई ये नीचे जा नहीं देगा नू बड़ा, मेरे को के अंदर एक्सप्लोर करना है। ओ भाई अंदर एक ज़ॉम्बी भी है यार, ये नूबड़ा जाने नहीं दे देला। बस जैसे अंदर चला ला गेम भाई सीधा बाहर धकेला। बोल नूबड़े भाई तेरा क्या काम है, फटाफट बोल, वरना तेरे को इससे ही मारूंगा मैं, मेरे को नीचे जाना है। अबे घूंगी पिक्चर कुछ बोलेगा भी या नहीं। और हाँ गाइस हमको जस्ट एमओ मिली है गन की, तो वो ज्यादा बर्बाद नहीं हो, उसके लिए मैंने बटन को ऊपर लगा दिया ताकि गलती से भी हमारी एक भी बुलेट बर्बाद नहीं हो। तो गाइस यहाँ पे इसको मिल चुका है हमारा जो बंदा खो चुका था उसका एक्सपो, तो अभी कैप्टन के हिसाब से वो बंदा नीचे की तरफ भागा था, मतलब हम लोग नीचे की तरफ ही जा रहे। तो मैं चला यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने, पता नहीं मेरे को टीम वालों से उल्टा चलने के अंदर मजा क्यों आ रहा है। गेम मेरे को जो करने को बोल रहा है मैं बिल्कुल उसका उल्टा कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैप है बहुत ही बड़ा है, इसको टीममेट के साथ खेलने में बहुत मजा आने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिशन के ऊपर ध्यान दे देते हैं, तो हमको यहाँ पे पार्किंग लोट के अंदर एंटर करना। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी ऑलरेडी है, और ये वो वाला ज़ॉम्बी नहीं है जिसको मैंने सबसे पहले देखा था, ये एक अलग आ चुका, तो इसको भाई मुक्के से ही मारते। और ये देखो ये दूसरा ज़ॉम्बी, इसको भी डंडे से। अबे इसने भाई कुछ तो मेरे ऊपर फेंका अपने मुंह से, जो कि डैमेज बहुत ही ज्यादा हुआ मेरे को। चलो फिलहाल तो मैंने इसको मार दिया। अभी हम लोग अंदर जाते हैं और अपने बंदे की तलाश करते हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते अंदर, भाई कितना अंधेरा है। और जो ज़ॉम्बीज के लेवल है वो अभी अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो अच्छा हमारी टॉर्च जो चेस्ट लाइट थी वो ऑन हो गई, इसने भी साला अचानक से ऑन कर दिया। तो अभी हमको थोड़ा अंदर की साइड वहां पे जाना है, यहां पे बता देना है, मतलब यहां इसके मुंह के पास धड़ा दिया, मेरे को लगा सो देला है, तो सोने की एक्टिंग कर देला था, मर भी नहीं देला। इसको डंडा डंडा मारना ही पड़ेगा साले, काट दिया मत मेरे को मुक्के खा तू। अरे अरे कैप्टन के बंदूक में से गोलियां निकली। तो अभी हमको यहाँ पे एक वॉइस लेटर मिलता है। ओके गाइस, तो इसके अंदर उसने बोला है उससे पहले इसको निपटाते नूबड़े को, बहुत इधर क्या जमीने चाट, ओ भाई जमीने चाटते चाटते पता नहीं क्यों आसमान चाटने चला गया ये। ओ भाई अपना ढगले ऊपर करके क्यों सो जाला, आराम से सो जा। तो हाँ गाइस जो वॉइस मैसेज था उसके अंदर ये उसने बोला कि वो एक जगह के ऊपर छुपा हुआ जहाँ पे उसको ज़ॉम्बीज देख नहीं सकते लेकिन वो उसको सूंघ सकते हैं। साथ में उसने ये भी बोला कि कोई अच्छा हाइडिंग स्पॉट नहीं है, उसने जगह का लोकेशन तो नहीं बताया लेकिन वो हमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो अभी अपने को इधर से क्लू कलेक्ट करने हैं और उसके बाद उसको ढूंढने जाना है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग ओ भाई शॉटगन लेट्स गो, यही तो चाहिए मेरे को, इतनी दही दही बेस्ट बेस्ट गने मिल ली, गोली चार है और यहाँ से आठ उठाई, काम चल जाएगा लेकिन अभी भी कमी है। और सामने की तरफ से दो नूबड़े आ रहे लेंगे, इनको शॉटगन से निपटाऊं क्या? नहीं नहीं अभी भी मिली, आउट टेस्ट कर लेते। थूकने वाला ये, रुक जाओ भाई, मेरे को लगा थोड़ा पास आता तो जब मारूंगा लेकिन ये तो थूकने वाला था। इनके पैरों पे गोली मारता हूँ और फिर इनको, अरे भाई नीचे वालों को मारना था। तो फिलहाल तो मर चुका, एक दूसरे के अंदर घुस चुके। गोली अगर तुम्हारे पास बहुत कम हो तो ये भी एक मूव है, जैसे उनके पैरों पे गोली मार दो और फिर मिली वेपन से जाके उनको मार दो। लेकिन इसके अंदर वो सर पे जो मारने का एक सेटिस्फेक्शन एनिमेशन होता ना वो नहीं है। तो अभी हम लोग चलते रहते, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आना है। ओ ये क्या है, भूत वूत है क्या? नहीं भूत नहीं है लेकिन कुछ तो भाई अजीब है। तो पता नहीं अपने मेन कैरेक्टर को दोहरा पड़ जाए क्या हो रहा है, एक अजीब सी चीजें हो रही है उसको। फिलहाल हमको ऊपर जाने, यहाँ से कोई कार उठा सकते क्या यार? ड्राइविंग का नहीं है क्या सीन इधर? लेकिन चलो कोई ना, इधर चल के ऊपर जाते हम लोग। और वैसे मेरे को नीचे लड़ने में इतना मजा नहीं आता, ऊपर भाई खुले आसमान में लड़ने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि इधर अपने को ओपन वर्ल्ड सिटी मिलते। देखो यहाँ पे एक स्कूटी है, यहाँ से सब कुछ नाश्ता पानी मिल जाएगा, चुरा लेता हूँ मैं। और क्या मिला? आप बैंडेज मिली, चलो कोई ना काम आएगी कभी ना कभी, तो वो भी सिर्फ
एक बैंडेज भाई, कम से कम पांच तो दे दो। इसके अंदर जाना था या छोड़ो भाई, आगे जाते हैं हम लोग सामने वाले गेट से बिल्डिंग के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी वो कैप्टन हमको उधर बुला रहा है। गाड़ियों के ऊपर कूदी मारते हुए जाते हो, मोलोटोव मिल जाता है हमको भाई। ऐसे नई नई चीजें देते तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब अभी इनके ऊपर हम लोग मोलोटोव फेंक के मारते हो, देखते कैसा इफेक्ट आता है। ये गई मोलोटोव, दोनों को भाई जला देगी। और देखा जाए तो साउंड इफेक्ट भी बढ़िया और एनिमेशन भी ठीक ठाक ही है। तो अभी आग को बुझने देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो क्लू हमको मिले उसके हिसाब से वो यही कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि वो इतने एरिया के अंदर कहीं पे छुप चुका है, ना कि बहुत दूर कहीं पे भागा है। और मैं साला इतनी मेहनत से लोगों की स्कूटियां खोल ले रहा हूँ, सिर्फ एक बैंडेज दे दे ये लोग मेरे को। कम से कम स्कूटी के अंदर तो जमीन का कागज या खाना वाना कुछ अच्छी चीजें रखा करो, बंदूक की गोलियां दे दो, गन दे दो, कुछ तो करो अच्छा बिना। देखो यहाँ पे सामने गेट है और मैं दीवारों पर कूद दे रहा हूँ, अब भीगी हुई बादाम खानी पड़ेगी। तो अभी हमको इस बड़े से घर की छत के ऊपर जाना है और सामने की तरफ एक जॉम्बी भी है, लेकिन रिबिन है क्या? रिबिन नहीं है, ये बॉम्ब दिख रहा है पक्का, बोला था मैंने ट्रैप है ये। इसका मतलब इस सिटी के अंदर और भी लोग है जो सर्वाइव कर रहे और अपनी सेफ्टी के लिए ये बॉम्ब वॉम लगा के रखे हुए है। यहाँ पे साइड में भी देखो, हमें ऊपर की तरफ जाना है लेकिन नीचे की तरफ बॉम्ब लगा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पक्का होगा, लेकिन पीछे की तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा है। अबे मैं अकेला क्यों जा रहा हूँ? और नूबड़े बैकअप देने के लिए आ तो सही कम से कम अंदर, पीछे नहीं हो लेकिन साथ में तो आ भाई, गेट के अंदर तक नहीं आ रहा बोलो ये। ऐसे लोगों के ऊपर खाक भरोसा कर सकता हूँ, अब हमको अकेला ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे अच्छा यह बॉडी टाइप वही बकवास कर रहा है जो मेरे को ऑलरेडी पता है, मैं इसको सबसे पहले फोड़ देता हूँ। एक गोली में फूटेगा, फोड़ गया। अब इसके पीछे एक बंकर है क्या? ओ भाई देखो, मैंने बोला था ना कुछ होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन शॉटगन की एमो मिल चुकी है जो कि नहीं उठा पा रहा मैं। और हमको इधर तीन बुलेट छोड़नी पड़ेगी, यहाँ शॉटगन से ही फोड़ता हूँ ना इस वाले कांच को। देखो शॉटगन को लोड करके यहाँ से पानी की बोतल उठा लिया, वहां से एक गोली उठा ली, लेकिन दो गोली अभी भी यहीं पे रहेगी। बैकपैक में से कुछ फेंक सकता हूँ क्या मैं? तो मुझे लगा जगह नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सही जगह थी। लेकिन फिर भी मैंने अपना लंच बॉक्स जो भी इसका नाम था खा लिया, लेकिन फिर भी हम लोग बुलेट को नहीं उठा पा रहे थे। तो हम लोग जाते सीधा ऊपर, क्योंकि मिशन ही ऊपर जाने का, हम लोग नीचे बस फापे मार रहे थे। लेकिन ऊपर की साइड से चिल्लाने की आवाज आ रही है, हेल्प हेल्प। इसका मतलब शायद ऊपर भी ज़ॉम्बीज आ चुके, या फिर ऊपर वो किसी को बंदी बना के रखे हुआ, हमें जाकर फटाफट देखना पड़ेगा। सामने की साइड एक पुलिस ऑफिसर है, आ जा भाई यहाँ पास में, तेको फटाक से एक भटका दू, भटका क्या झटका झटका। और भाई की साइड ओ ये चिल्ला, भाई क्यों चिल्ला रहा है भाई? ऊपर कितना बढ़िया मैप वैसे बना, उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते कुछ हमें मिल जाए। एक बॉम्ब लगा हुआ ट्रैप बॉम्ब, जिसको अबे इसको फोड़ के दो, मैं तो कोई इधर से कूद के जा सकता हूँ ना, बस हो गया भाई बेकार। मैं एक शॉटगन की एमो हम लोग अभी बर्बाद कर देते हैं, और मैं ये बार बार सुनने नहीं वाला, हटाओ इसको। ये मेरे को एक स्कूल लग रहा है, बच्चों का स्कूल, जो सीनियर जूनियर किंडर गार्डन क्या बोलते वो वाला स्कूल। देखो बोर्ड वोर्ड भी है। और ज़ॉम्बी भाई साहब क्या हालचाल, आप तो अंदर कैद हो चुके हो, इमोट विमोट करने का ऑप्शन है क्या इधर? अच्छा नहीं है, मेरे को इसको खुद ही बुलाना पड़ेगा इधर। आजा जा, चॉकलेट दूंगा, आजा आजा आ गया भाई, काम कर ठीक। आ जा। कैसा मजा आया? तो इधर अपन को भाई देखो अच्छी चीजें मिले इसको मार के। ये फुटता का क्या? ये मेरे को गेम का लॉजिक देखना, कुरोबा निकाला तो था हाथ में, तो था कुरोबा से नहीं फूटा, पोपट हो गया हमारा। लेकिन हम यहाँ से आके बाहर जा सकते हैं, और यहाँ पे एक सर्च करने का ऑप्शन है, तो इसको देखते क्या मिलता है। पिस्तौल का एमो मिल गया जो कि बहुत काम आएगा, और ऐसा फाइनली होने वाली अपनी बॉस से फाइट। तो इसके लिए अपने को सीधा ऊपर बाल बाल बचा दे बाबा, इधर से कूदता हूँ मैं। कुछ ऑप्शन आया था उसके पास जब मैं गया, तुमको देखता हूँ वापिस क्या लिखा। मैंने तो उसको टच भी नहीं किया भाई, पूरी हेल्थ की ऐसी तैसी करवा के रख दी है, नेड बम जो भी था ट्रैप। तो अभी फटाफट से बैंडेज लगाते हैं और सीधा बॉस से फाइट करने जाते हैं। तो बॉस कब कहाँ पे किधर आने वाला कुछ नहीं पता, अभी हमको शायद इससे बात करनी है। इस हम लोग इससे पहले भी इससे बात कर चुके ना, वापिस करनी पड़ेगी। ओके चलो भाई, क्या है बता बता बता। गटे लीव मी अलोन। अच्छा तो ये किसी चीज से डर चुका है, और बहुत ही भयानक डर चुका है, वहां पे तुम देख सकते हो पागल ही हो चुका है। हम लोग ऊपर आके देखते क्या है। अबे टेरेस के ना, ओ भाई फाइनली पहले बॉस फाइट की तरफ हम लोग बढ़ते हुए। अरे यार इसको पटक दिया भाई, तू निकल जाए मैं संभाल लूंगा इसको। थोड़ा और म्यूटेंट फॉर्म में तो मजा आता, लेकिन कोई ना इसको भी मारेंगे। तो अपने पास मॉली पड़ी है, इसको सबसे पहले मॉली का झटका देते हैं। अबे मॉली इसके ऊपर नहीं भी गई, एक और मारता हूं इसको। मॉली वो भाग जा रहा है मेरे ऊपर। अभी मैंने शॉटगन तो निकाल ही लिया है, और यहाँ पे इसको गोल गोल घुमाने के लिए बहुत अच्छी चीज भी दी गई है। अगर मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊंगा तो क्या मेरे को मार सकता है? और वो अभी भी मोलोटोव से जल ले,
वो फोड़ दिया जिससे उसको खुद को डैमेज पहुंच गया। वाह आजा भाई फटाफट इधर, पता लगा तूने खुद को ही मार लिया, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो गाइस यहां पे रेड बॉय जो तुम्हें दिख रहा है एक्सप्लोसिव का, इसको सीधा उसको ऊपर रख के फोड़ेंगे और ये फूटा। और अब इसके एचपी बहुत लो हो चुके हैं तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूं। और मेरे को नहीं लगता ये ऊपर आ सकता है, इसको डंडे से मारूंगा मैं। और जैसे ही मिली निकाला देखो पीछे हट गया, ये डर गया क्या वैसे सटासट सटके मार। वेट क्या हो रहा है ये, इसके सुपर पावर चल गया। अल्लाह भाई क्या हीरो वाली एंट्री ने मारी इसने। मैं इसको ऊपर जाता हूँ, क्या इसको ऊपर आ सकता है ये, आ जाए क्या। डर लो बे हल्के की तरह छलांगे मार देना ये, अब इसको मारना ही पड़ेगा। रुक जा फटके देता हूँ इसको। वाह 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 डर के मारे पीछे जा देना, अब तेरी कोई माफी नहीं होने वाली, तेको मरना ही पड़ेगा मेरे हाथों। अब किधर भाग, मुक्का मारा पीठ पीछे वार करता है साला तू, आ मेरे पीछे भाग। आ जा इधर आ जा, अभी तू देखता क्या हाल होता है। और ये क्या हो गया, बहुत मैराथन दौड़ने वाला था तू तो इसको मार के हमको मिला है कुछ पॉइंट्स और एक इनकम्प्लीट शॉट गन, उसके बाद में करेंगे। ये देखो भाई जला के कोयला बना डाला इसका मैंने, बेसिकली इनकम्प्लीट शॉट गन का एक पार्ट मिला। अब इसके जो बाकी पार्ट वो हमको किसी और जगह पे मिलेंगे, उसके बाद हम इसको यूज कर पाएंगे लेवल 5 की है मतलब। वैसे यहाँ से हम लोगों ने एमो रिफ्रेश कर ली, इससे हमारी सारी एमो फुल हो गई। यहाँ पे इसने किसी को हपाल हपाल के मारा भाई, खून वून सब है। और हाँ पिस्तौल की एमो देखो कितनी सारी हमारे पास आ चुकी है। और सोचो गाइस सामने कोई बंदा स्नाइपर लेकर खड़ा हो हमको भी मार दे, तो बॉस को मारने का सिंपली हमको यहाँ से जिप लाइन से नीचे की तरफ जाना है। और अगर हम बात करें नीचे की साइड दो किंडर गार्डन ही दिखेला, सारे बच्चों के खेलने की चीजें, उधर जंपिंग वाला घर है क्या यार। मैं नीचे गिर गया, जिप लाइन से जाना था मेरे को, मैं जिप लाइन से ही जाऊंगा भाई। घास फूस काटो इधर की कितनी सारी बढ़ चुकी है, तो हमको जाना सामने लेकिन मैं जिप लाइन करके ही जाऊंगा। इधर की साइड एक गेट जो की बंद है, जंप मारू क्या ये पहले बंद है। मैं इतनी आसानी से आ गया, ज़ॉम्बी तो आराम से आ जाएंगे। ये नया वाला नहीं, ये पीछे का एरिया दिखता है स्कूल का, क्योंकि हम लोग सामने के गेट से आए। तो जिप लाइन का यूज करने के लिए भाई मैं वापिस से ऊपर जाता हूँ। और मेरे को अभी गेम प्ले को देख के पता लगा कि मैंने उस बॉस ज़ॉम्बी का जो असली रिवॉर्ड था वो तो उठाया ही नहीं, मैं यहाँ से चला गया जिप लाइन करने के चक्कर में, वो उठाना ही भूल गया मैं। बहुत बढ़िया, तो फिलहाल तो हमने उस वाले ज़ॉम्बी बॉस को मार दिया है। अब आगे क्या होने वाला मेरे को खुद को नहीं पता, हमारा जो साथी था वो हमको अभी तक मिला नहीं है। और ये जो बॉस ज़ॉम्बी था तो कुछ भी नहीं था, इससे भी और खतरनाक बॉस ज़ॉम्बीज गेम के अंदर आगे आने वाले, तो देखेंगे हमसे क्या उखड़ पाता उनके सामने। अगर तुमको अच्छी लग रही है ये वाली गेम प्ले की सीरीज तो कमेंट करना जरूर बताना। बाकी ऐसे वीडियो देखते रहो, एंजॉय करते रहो, ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहो। खाना पीना टाइम पे खाओ, बाय।